हाँ तो भाई लास्ट वीडियो अगर देखा तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें से पार्ट में उठा के डाल रहा हूँ। पार्ट ये है कि भाई अभिषेक बिचकुले ने जब कहा कि तेरे जैसी लड़की जो है मेरे पाँव की जूती के बराबर है, उसके ऊपर में शमिता शेट्टी का सिर्फ इतना कहना था कि चलो अगर उसने मुझे नहीं भी कहा है तो क्या ये चीज कहना इंडियन टेलीविजन के ऊपर में किसी को एक जूते से कंपेयर करना, क्या ये सही होगा? सल्लू भाई का कहना था वी सॉ दैट फुटेज एंड देयर इज नथिंग इज लुकिंग लाइक दैट, कि वो तुमसे कह रहा है। यार जब भी कोई सलमान खान का स्टेटमेंट आता है ना तो मैं ऐसे सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि वो सारी चीजें बाउंसर हो जाती है। हाँ मेरा आईक्यू लेवल उतना ज्यादा नहीं है, वैसे आईक्यू लेवल से याद आया मुझे इस घर के अंदर में मैं तुमसे 100 ऊपर हूँ। मतलब बंदा एकदम अपना हस्बैंड वाला रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। एंड ट्रस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे ही घर से बाहर होंगे दोनों ही बोलेंगे कि देखो शो की डिमांड थी, हम लोग ऐसे गए थे, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने शादी नहीं की थी, हमने पिछले सीजन से जो ये हाइप बनाया था एंड ऑल ब्लाह ब्लाह जो भी है वो सब बोलेंगे। तो चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा ये है कि प्रतीक सहज पाल भाई साहब को जो है हमेशा इग्नोर ही किया जा रहा है। इग्नोर कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि उसको करण कुंद्रा ने इस बार भले से किक ना दिया हो लेकिन वो अग्रेशन तो दिखाते हैं और वो कहते भी है कि जो उखाड़ ना उखाड़ दे। अब उसके ऐसे टैग देने की बारी आई कि घर वाले मिलकर के टैग देंगे कि अकलमंद कौन है और अक्कड़ वाला बंदा कौन है। तो सबने जाकर के अकलमंद वाला टैग दिया करण कुंद्रा को और अक्कड़ वाला टैग दिया जाकर के प्रतीक सहजपाल को। दैट्स फेयर एनफ। मैं कहता हूँ एकदम सही जा रहे। पर एक चीज क्या किसी ने सोचा है कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना है? वहीं पे जब तेजा कुछ करती है तो सब ये कहते हैं कि भाई एज डिफरेंस तो देखो, तुम्हारी समझदारी उसकी समझदारी, तो भाई इस टाइम पे कहां चला जाता है ये समझदारी? और इसके ऊपर मैं सलमान खान का ये कहना था कि देखो तुम्हारी इमेज है, तुम्हारा ब्रेन जो है वो बहुत ही हैंग हो जाएगा यहाँ पे, तुम्हारा जो मेंटल स्टेटस है ना वो बिगड़ जाएगा, ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। दैट्स मीन किसी ने किसी को मारा और मारने के बाद में जो बंदा विक्टिम है उसके ऊपर में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, जबकि उस बंदे को कहा जा रहा है कि देखो इस पे तुम पे केस भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोबारा तुम ऐसा मत करना। मतलब तुम सिर्फ इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो जिसने मारा है और आप उस बंदे को कह रहे हो एटेड भी वो तो मार खाएगा, अपना इमेज फिर से बना लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? बाप अगर साला बिल्डर हो ना कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अभिषेक बिचकुले ने यहाँ पे कहा है तू आधा मर्द है। किसके बारे में कहा यहाँ पे? झांटा झाना छाती है, क्या नाम है, राजीव फ्रॉम लंदन। तो भाई राजीव फ्रॉम लंदन मुझे याद आया, सैफ अली खान। तो राजीव से ये हर बार कहा जा रहा है कि राजीव टेक योर स्टैंड। जब जिस बंदे के साथ में कोई मजाक किया जा रहा है, जब उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हु द हेल आर यू टू टेल हिम कि अपने आप को डिफेंड करो वहाँ पे, आप खुद के लिए लड़ो वहाँ पे। भाई जिसको लड़ना होगा वो खुद लड़ लेगा। पता है वो ओके फील क्यों करता है? रीजन ये है ओके फील करने का कि वहाँ पे ये सारी चीज नॉर्मल है, कि अगर वहाँ पे कोई बंदा की चॉइसेस अलग है देयर इज नॉट अ बिग डील, और अगर उस पे कोई कह दे यू आर नॉट अ मैन यू आर गे तो ठीक है वो झेल जाता है बंदा। पर यही चीज जब प्रतीक की तरफ से हुआ था दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी लेकिन सबने मुद्दा बना दिया था। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ था, पर इस बार में प्रतीक जैसा डांटा नहीं गया, अभिषेक बिचकुले को डांटा नहीं गया। उस वक्त क्या कहा गया? लेट हिम डू, उसे करने दो यार, वो खुद से खुद के लिए लड़ेगा, छोड़ दो उसको, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? महाराष्ट्र में अगर कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल पार्टी की तरफ से होता है तो भाई पठानों की भी फटती है, लेकिन हैट्स ऑफ टू द शाहरुख खान कि वो कभी भी किसी के सामने में नहीं झुकता है, भले से उसके बेटे को कहीं से उठा लिया जाए और एक्सटॉर्शन के नाम पे 18 करोड़ मांग लिया जाए। दैट्स कॉल पठान, दैट्स कॉल खान, बट खानों के नाम जो है डुबा रहे हैं सलमान खान। अब देखो इस स्टेटमेंट के बाद में मेरे को डिसलाइक्स का एकदम रेशियो बहुत हाई मिलेगा और नीचे में कमेंट जो है वहां पे मेरे पूरे खानदान को बहुत प्यारे प्यारे अंदाज में याद किया जाएगा। दैट डजंट मैटर फॉर मी, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बिग थिंग। एक चीज कह रहा हूं, इस घर के अंदर में अगर कोई सिंगल हैंडेडली लड़ रहा है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी अलायंस के, हाँ भले से उसका गेम खेलने का तरीका बहुत ही ट्रिकी होता है, उसको पता है कि मुझे किस तरह से लोगों को जो है वर्गलाना है, किस तरह से अपने आप को सामने में हीरो प्रेजेंट करना है, इसी को तो गेम का स्ट्रैटेजी कहते हैं यार। तो भाई वो बंदा अपने आप में किंग है। सोचो ना जिसको देख करके सलमान खान की भी जल जा रही है और वो भी ये सोच रहा है इसको दबा दबा, इसको ये नहीं दिखना चाहिए। क्या स्टेटमेंट दिया था हाँ, कि कोई अगर कुछ तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसको तुम उकसा रहे हो, तो इसके ऊपर में जाकर के रोने धोने का नहीं। और देखो सलमान खान बिग बॉस के हर एपिसोड में हर वीकेंड के वार पे ये जताने की पूरी कोशिश करते हैं कि भले से दुनिया उसे कुछ भी कहते हो वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन करते हैं मेंटली और फिजिकली, कि भाई लोग तुम्हें कितना भी बुरा कह दे दैट डजंट मैटर, क्या उनके कहने से तुम हो जाते हो? बस अभी और तगड़ा वाला फैन हो गया मैं सलमान खान का,
क्योंकि किसी के बोलने से कुछ हो नहीं जाते, दैट्स मीन दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन, और मैं अब से यही मोटिवेशन लेकर के चलूंगा, बिल्कुल लाइक अ बेशरम, बिल्कुल लाइक अ स्ट्रांग पर्सन, एंड स्ट्रांग से याद आया प्रतीक स्ट्रांग, यू आर द किंग ऑफ द बिग बॉस, अगर तुम ट्रॉफी लेकर के नहीं भी आए शान था तुमको देख रही है। Hey, so that was my honest reaction for the Big Boss 15. What's your take? Please do comment. ज़्यादा लंदन बाजी हो गया। Okay, Indian accent में बोलता हूँ। That was my honest reaction for this content. What's your take? Please do comment. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। यहाँ तक वीडियो देखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।